जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर के सबसे बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दें कि अगर आप भी गैस एजेंसी पर गैस को रिफिल करवाने के लिए जाते हैं तो वो आपको यह खबर जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने 200 रुपए की कमी हमारे रसोई गैस सिलेंडर में कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में पूरी बड़ी खबर विस्तार से, और हमारे रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के केंद्र सरकार ने कौन से नए नियम जारी किए हैं। अगर दोस्तों आप के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं तो फिर इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एकदम अंत तक, और पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे जो भी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के छोटी या बड़ी खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल और आसानी से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए हुए कम, अब 803 रुपए में मिलेगा एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स बता दें कि सरकार ने घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दोस्तों बता दें कि हमारे रसोई गैस की बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, और अब से दोस्तों आपकी रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 के पार तो मिलेगा ही, लेकिन जैसे ही आप अपने रसोई गैस सिलेंडर को 1000 दे करके रिफिल करवाएंगे वैसे ही आपके बैंक खाते में 203 रुपए रिफंड हो जाएगा। यानी कि आप यह मान लीजिए कि हमारी केंद्र सरकार ने लगभग 200 रुपए की गिरावट कर दिया है, और अब से आप किसी भी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर के अपने रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल करवाएंगे तो वह आपका जो सिलेंडर अभी 1000 के प्लस चल रहा है वो आपका 803 रुपए का मिलेगा। तो है ना, ये काफी अच्छी खबर। और दोस्तों बता दें कि यह योजना और यह नई स्कीम हमारी केंद्र सरकार 1 जून 2022 से हमारे देश के लगभग सभी राज्य में लागू कर रही है। तो दोस्तों आप इस समय किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी यह जानकारी हो सके कि आप हमारा वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि हमारे भारत की सरकार ने गैस की सब्सिडी को लेकर के बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, और अब से उन्हीं के बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा जाएगा जिनकी साल में 10 लाख रुपए से इनकम कम है। अगर आप भी साल में 10 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा जाएगा, लेकिन अगर आप साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम करते हैं तो आपके भी बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा जाना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे भारत की सरकार ने रसोई गैस को लेकर के एक छोटा सा अपडेट जारी किया था, जो मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में कर दिया हूँ। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट या कोई भी सवाल या जवाब है तो वह आप में नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।